बांग्लादेश से आए भारत पधारे हुए युवा सांसद एवं नेता और इस सीधे प्रसारण से जुड़े भारत और बांग्लादेश के सभी नागरिक भाई और बहनों, नमस्कार। आशा कोरी के बांग्लादेश शोभे भालो आछे। पुलवामा में हमारे जो वीर शहीद हुए उनके प्रति आपने जो संवेदना प्रकट की, इसके लिए मैं आपका और बांग्लादेश का बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले तो मैं आम चुनाव के सफल संचालन के लिए बांग्लादेश की जनता का अभिनंदन करता हूँ, साथ ही बहुत बड़े जनादेश के साथ प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के ऐतिहासिक विजय के लिए उन्हें हार्दिक बधाई भी देता हूँ। मुझे खुशी है कि आज बांग्लादेश से कुछ युवा सांसद भी यहाँ मौजूद है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के साथ, जैसे उन्होंने भी उल्लेख किया, मेरी ये छठी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इतनी सरलता से इतनी बार किन्हीं दो देशों के नेतृत्व के बीच में संपर्क होना अपने आप में दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे और मजबूत है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस एक बहुत विशेष समय पर हो रही है। इस महीने 17 मार्च से बांग्लादेश में बंगबंधु के जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ होने जा रहा है और फिर 26 मार्च को बांग्लादेश की आज़ादी की 48वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। और इन दोनों तारीखों के बीच दोनों देशों में करोड़ों लोग होली का पवित्र त्यौहार भी मनाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की बात जब भी होती है तो उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के विजन को मानता हूँ। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि साथ ही नॉलेज में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के कदम उठाए हैं। बांग्लादेश से जुड़कर भारत का नेशनल नॉलेज नेटवर्क अब बांग्लादेश के स्कॉलर्स और रिसर्च संस्थानों को भारत और पूरे विश्व के साथ जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा। बसों और ट्रक्स की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा एफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमि अदा करेगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हजारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे और कम्युनिटी क्लिनिक्स, इससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। यह सभी प्रोजेक्ट्स सीधे रूप से जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। यह प्रोजेक्ट्स दर्शाते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध दोनों देशों की जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के लोगों के संबंध आत्मीयता और पारिवारिक भावनाओं से परिपूर्ण संबंध है। बांग्लादेश का विकास भारत के लिए खुशी का विषय तो है ही, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। 2021 तक बांग्लादेश को मिडिल इनकम कंट्री बनाने और 2041 तक डेवलप कंट्री बनाने के उनके विजन को साकार करने में सहयोग करना हमारे लिए गर्व का विषय है। एक्सेलेंसी, साथ मिलकर पिछले 5 वर्षों में भारत बांग्लादेश संबंधों के सोनाली अध्याय के लिए काम करने को मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 5 वर्ष हमारे लिए जितने गौरवशाली रहे हैं, आगामी 5 वर्षों में
हमारे द्विपक्षीय संबंध उससे भी अधिक ऊंचाई हासिल करेंगे। ये मेरा विश्वास भी है और प्रतिबद्धता भी। और मेरा ये विश्वास आज और भी अधिक मजबूत हुआ है, क्योंकि आज मुझे बांग्लादेश से यहाँ आए कई युवा सांसदों और नेताओं से मिलने का अवसर मिला। उनकी प्रतिभा और कर्मठता में मैं भारत बांग्लादेश संबंधों का उज्जवल भविष्य देखता हूँ। भारत बांग्लादेश बंधुत्व चिरोजीवी हो। धन्यवाद।